तो चलिए आज आपको यहाँ का फुल मार्केट दिखाते हैं दादर का। आज मैं मनीष मार्केट के साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए पूरे रिटेल है, ये फूल वूल बेचते रहते हैं। यहाँ पर फूल्स आपको मिल जाएंगे आपको देखने को। ये शाम की मार्केट है, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए सारे लोग फूल बेच रहे हैं। तभी चल रहा है त्यौहार महाराष्ट्र में, तो इसके लिए आपको कितनी गर्दियाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए सारे बहुत दूर दूर से ये आते हैं, ये बेचते हैं यहाँ के, ये सारे फूल्स बेचते हैं, पत्ते बेचते हैं। कई सारे यहाँ पर लोग आते हैं खरीदने के लिए। ये देखिए ये पूरा आपको दिखेगा कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो त्यौहार चल रहा है इसीलिए ये सारे, ये देखो ये लोग ये बेचते रहते हैं। ये देखो ये क्या है, इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ कितनी सा 20 रुपये से चार। हो ऐसा ऐसा भी चार तो हमें फट बोल रहे 20 रुपये की चार। तो ये देखो पूरा ये है, आपको फूल्स दिखेंगे। पहला कहाँ बनता मौसी? कहाँ है ये? हाँ कितनी सा 20 रुपये का चार। 20 रुपये से दहा? ये बगा ये 20 रुपये से दहा है। क्या बनता? पालक। पाला बनता था? अच्छा हाँ पाला बनता, तो ये पाला है। नहीं ऐसा भी चार तो फक। ये बगा इकड़े सगड़े मपला मार्केट है। ये कितनी सा मौसी? हाँ 15 लाख। हाँ 10 से 3। ये ही बगा ये 10 से 3 है। बस ऐसा भी चार तो माला पाइजे ना है। हो तो ये देखो यहाँ का फुल 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 मार्केट है। इस तरह से लोग आते हैं बेचारे, जिनके पास नहीं है वो ऐसे यहाँ पर बेचते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। और मौसी तुम छप पड़ लो, ये इकड़े ठेव तुम्हें ठेव का है। देखो मेन रोड पे पड़ा हुआ था। आंटी कितने का ये? 130। और ये गुलाब? 120 रुपया। तो ये देखो आपको हमने दिखा दिया, ये फुल गली मार्केट है। अभी त्यौहार चल रहे हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो सूर्यमुखी है, ये सारे सब कुछ है। दिख रहा है आपको ये फुल मार्केट के हैं। ये देखो यहाँ पर ये बेच रहे हैं। ये सूरजमुखी है ना, ये कितने का आता है? ये 100 रुपये बंडल। ये देखो पहली बार सूरजमुखी में देख रहा हूँ। ये 100 रुपये का बंडल है, मतलब 100 रुपये में 6-7 पीस। ठीक है ठीक है, 5-5। ओके तो ये देखिए इस तरह के यहाँ पर मिलते हैं। तो ये पूरा फूल गली का मार्केट है, अलग अलग फूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर आप आएंगे। अभी त्यौहार चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी ये सब किलो के हिसाब से। दादा ये क्या भाव है दादा? 120 रुपये किलो। 120 रुपये, वो भी 120। पहले आया था तो इसका रेट था 60 रुपये किलो, 40 रुपये दे रहे थे किलो, अभी रेट बढ़ गया। यार ये कौन से भी ये की कौन से फूल है मैं पता नहीं। ये भी देखो ये भी होगा करीबन 120-130 का होगा। ये ऐसे से है यहाँ पर फूल्स आपको देखने को मिलेंगे। फूल गली मार्केट है, अभी बहुत ज़्यादा अभी त्यौहार चल रहे हैं इसीलिए रेट है। ये देखो ये 150 रुपये की है। कितना कितने बोल रहा? 200 बोल रहे। ये बघा 200 रुपये से आपला नवरा नवरीचे फूल ह्याला इकडे म्हणतात बघा। ये देखो ये 200 है, 300 है, 400 है। ये देखो इस तरह के फूल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखो अभी त्यौहार चल रहा है तो यहाँ पर लोग फूल लेकर जाते हैं। इतनी भीड़ लगी भाई साहब, इतनी भीड़ लगी है ना भाई, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से निकले बाहर। ये देखिए सब मिलते हैं यहाँ पर। तो ये फूल गली मार्केट है, लोग सजाने के लिए डेकोरेशन के लिए लेकर जाते हैं। आंटी आंटी क्या भाव गुलाब क्या भाव आंटी? 250 रुपये किलो। अरे बाप रे, ये देखो ये 250 रुपये किलो। दादा ये क्या है, ये कितने का आता है? 200 रुपये का बंडल। अच्छा ओके 200 रुपये बंडल। और ये 100 रुपया। ये देखा यहाँ पे, ये कितने बजे सुबह खुलता है मार्केट? सुबह 4 बजे। अब बंद कितने बजे होता है? 10 बजे रात को बंद होता है। ठीक है, अभी त्यौहार चल रहा है इसलिए इतना भीड़ है, गणपति चालू है ना इसके लिए भीड़ है इतना। अच्छा ये देखिए यार बहुत भीड़ है मार्केट में, अगर आपको निकलना नहीं पड़ रहा। तो ये देखो यहाँ पर इस तरह के फूल मिलते हैं आपको, और भी दिखाते हैं आप। एक लोटस के खुले फूल है, ये खुले वाले क्या भाव आपके पास? 200 रुपये किलो।
देखा 200 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, गोंडा 100 रुपये किलो, गोंडा 100 रुपये किलो, ये 200 रुपये की भाई एक एक फूल दिख रहे हैं यहाँ पे 200 रुपये की, ये पूरा हार जो है फूलों का हार। देखिए पूरी मार्केट एकदम आज भरी पड़ी हुई है क्योंकि त्यौहार चल रहा है ना महाराष्ट्र में, मुंबई में असस गर्दी इकड़े हो तो खूब जाम आए। ये देखिए चाचा यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो ऐसे फूल्स लगे पड़े हुए यहाँ पर, लोग दूर दूर से आते हैं। ये देखो ये लोटस जो खुला ना, ये देखो ऐसे ही होता है, ये फुल मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी चल रहा है थोड़ा सा फेस्टिवल तो इसके लिए इतने यहाँ पे गर्दी है, सब कुछ है। ये देखिए लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लोग आते हैं, लोग खरीदते हैं, फूल्स खरीदते हैं। ये देखो अभी भीड़ है, बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे इतने सारे भीड़। ये देखो कैसे है, 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए भीड़ देखिए आप, भीड़ देखिए फुल गली के। ये दिख रहा है आपको, ये देखो आप भीड़ देखिए कितनी बड़ी भीड़ लगी है मार्केट पे। तो ये ऐसे यहाँ पर चलती रहती है, ये देखिए पूरे कलिस के, ये देखो ये भी है आपको पान के पत्ता। दादा कितने का है? 20 रुपया पान का पत्ता, 20 रुपया दिख रहा है आपको भाई, निकलने की जगह नहीं है इतनी भीड़ है। ये दिख रहा है आपको इतनी भीड़ है इस मार्केट पे, दिख रहा इतनी भीड़ है एकदम, ये फुल मार्केट है, फुल गली। तो देख लिया आपने, ये पूरी मार्केटेड है यहाँ पर, इसी तरह के फुल मार्केट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो ये फुल गली के मार्केट है आपको, तो देख लिया आपने ये पूरे मार्केटेड है फूल्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इतनी बड़ी भीड़ है आपको आपको देखने को मिल रहा है, ये शाम की मार्केट है, ये ऐसे ही पूरी है, पूरे आगे तक है, तो पूरी आगे तक ये मार्केट है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी लोगों ने आज लगाया हुआ है, उस साइड तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे भी लोग लगाए हुए हैं, 100 रुपये 150 200 300 आप जैसे करिए। ये देखिए ये बूफे जो तैयार होते हैं ना वो यहीं पर ही मिलते हैं, ये देखो इस तरह के बूफे आपको दिख रहा है, ये बूफे 200 250 300। और ये देखो आपको कपड़े आएंगे ना अलग अलग आपको बनाने के लिए यहीं पर ही मिलते हैं, ये देखो फूल्स के। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये पूरा है, तो ये आपने आपको दिखा दिया ठीक है, ये यहाँ का फूल मार्केट, कुछ बाहर के विदेशी फूल यहाँ पर आते हैं ठीक है। तो ये पूरी फूल गली है जो आपको दिखा दी, इस साइड और उस साइड का, तो ये पूरी फूल गली है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिजनेसपुर पर हम लोग बहुत सारे इस तरह से बिजनेस व्लॉग लेते आएंगे, आपको मार्केट को एक्सप्लोर कराएंगे। और ये मार्केट में इतने भीड़ है, ये इतने सारे ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।